हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एकदम टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप व्रत में भी खा सकते हो, आप चाहे तो ऐसे भी इसे बना करके खा सकते हो। इसे बनाना बहुत आसान है, तो देर किस बात की, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 कच्चे आलू, जिसे हम अच्छे से छील लेंगे। अब इसे हम चाकू की मदद से इस तरीके से कट लगाएंगे। इसमें देखिए, हमें इस तरीके से आलूओं को कट लगा लेना है। उसके बाद इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। हम सारे आलूओं को इसी तरीके से कट करेंगे और इन्हें 2-3 पानी से अच्छे से धो देंगे, ताकि इसके अंदर का स्टार्च निकल जाए। अब इसके बाद हम लेंगे एक पैन, पैन में हम लेंगे 1 गिलास पानी। जब पानी हल्का गर्म हो जाए, तब इन आलूओं को हम उसमें डाल देंगे और इन्हें हम 50% तक हाई फ्लेम पे कुक होने देंगे। जब ये 50% पक जाए, तब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए, तो इन्हें एक बाउल में हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे कुछ मसाले, जैसे कि 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम लेंगे इसमें फ्रेश बारीक धनिया की पत्ती कटी हुई। अब इसमें हम लेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। अब इसके बाद हम लेंगे इसमें नमक 1/2 छोटा चम्मच। जो आप व्रत में खाते वो नमक ले सकते हैं, या फिर ऐसे बना रहे हैं तो सादा नमक भी ले सकते हैं। और इस नाश्ते को बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें लेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। अगर आप इसे व्रत में बना रहे हैं तो आप इसमें 1/4 कप आरा रूट ले सकते हैं। अब इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें चाहें तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, नाश्ता अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम साइड कर लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे एक पैन, पैन में हम ऑयल रख देंगे। जब वो हल्का सा गर्म हो जाए, तब हम लेंगे एक छन्नी, जिससे हम पूरियाँ तलते हैं, वो वाली छन्नी। अब जो हमने आलूओं का मिश्रण बना के रखा है, उसे चम्मच की मदद से छन्नी पे डाल देंगे और इन्हें हल्का हल्का सा हम फैला लेंगे। अब इसे बड़े आराम से हमें ऑयल में छोड़ना है। ये देखिए, इस तरीके से ऑयल में डालने के बाद इसे हमें चम्मच की मदद से सेट कर लेना है। और इसी तरीके से हम बचे हुए बाकी नाश्तों को एक एक करके डाल देंगे इसमें ऑयल में, और इसे हम हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चम्मच की मदद से पलट लेंगे, क्योंकि हमने आलू को पहले ही 50% तक पका लिया है, इसीलिए इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये झटपट से रेडी हो जाता है। ये देखिए, इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद दूसरी साइड से भी हम 3-4 मिनट तक पकने देंगे। जब ये दूसरी साइड से भी पक जाए, तब इसे हम पलट लेंगे। अब इसे हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। ये नाश्ता हमारा बन करके रेडी हो चुका है। एकदम कुरकुरा और चटपटा सा नाश्ता है, झटपट से बन जाता है। इसे बनाना बहुत आसान है। जब आपके पास टाइम ना हो तो फटाफट से व्रत में इसे बना लीजिए और खा लीजिए। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप चाहें तो इसके साथ हरी चटनी भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही खा रहे हैं तो आप इसे टमाटो केचप के साथ खाइए, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये देखिए, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफ़िन में भी बना करके दे सकते हैं। आप इसे चाय के साथ भी बना करके खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।